सूरज की किरण भी लेते हुए नॉट टच रुपीस 500 प्लान बड़ा हरामी हो। अरे यार क्या सीन है, क्या कह रहे मुटी, क्या कहते इसको। हम जो है यहाँ से वापस चले जाएंगे बैंगलोर के लिए। तो प्लान आज का ये है, हम यहाँ से सबसे पहले जाएंगे चॉकलेट फैक्ट्री, क्योंकि हमको कुछ चॉकलेट्स खरीदनी है फ्रेंड्स के लिए, तो चॉकलेट खरीदेंगे। एंड देन उसके बाद हम जाएंगे सेंट स्टीफन्स चर्च, कल हम गए थे वो बंद था, तो आज सुबह जा रहे हैं वो खुला रहेगा। एंड फिर वहां से हम जाएंगे बोटानिकल गार्डन, तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं हर जगह। तो गाइस सबसे पहली जगह हम आ गए चॉकलेट फैक्ट्री, बहुत टाइप के चॉकलेट्स आपको मिल जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे आके आप टेस्ट भी कर सकते हो चॉकलेट कैसी है, ये वाली चॉकलेट मैं टेस्ट करूंगा। किशोर, सो दिस विल टेक टेस्ट, ये थोड़ा खट्टा होगा मेरे ख्याल से। वन मोर बॉक्स लाइक दिस सेम, भैया ने हमको चॉकलेट ऐसी दे दी खाने के लिए, तो वहां से हमने ले लिया, अब यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं क्या लेना है। तो गाइज अभी हमने एक और बॉक्स ऑर्डर किया, वो है ये रोस्टेड आलमंड और रोस्टेड कैशू का मिक्स। क्या कह रहे मुटी, क्या कहते इसको। तो ये गाइज अपना चॉकलेट्स जो अपन लेके जा रहे हैं, इस चॉकलेट्स हमने खरीद ली है यहाँ से अभी दो पैकेट, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं सेंट स्टीफन्स चर्च। गाइज अपन आ गए अभी चर्च, जैसे कि कल आपको मैंने दिखाया था ये प्लेस ये बंद था, तो आज अपन गाड़ी लेके आ गए अंदर, एंड चर्च भी ओपन है। ये है गाइज चर्च 1829। Almost close to 200 years. So, यहाँ पे आपको हर लैंग्वेज में मिल जाएगा, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, इंग्लिश। तो गाइज ये अभी हम जा रहे हैं चर्च के बैक साइड में, आई थिंक वहाँ पे सिमेट्री है, तो सिमेट्री में जाके देखते हैं। बहुत ही पुराना चर्च है, तो बहुत सारे पुराने ग्रेव्स भी हमको देखने को मिल सकते हैं, एंड कुछ इस तरह से है जो व्यू दिखता है चर्च में यहाँ पे। तो गाइज अपन आ गए बोटैनिकल गार्डन में, पार्किंग तो उसके पास तो आपको मिलेगी नहीं, बोटैनिकल गार्डन बहुत वहाँ से चल के जाना, अभी ऑलमोस्ट लाइक 500-700 मीटर्स है, तो गाड़ी हमने यहाँ लगा दी है, एंड अब हम यहाँ से जा रहे हैं चल के। पे एंड पार्क मिल गया है, और ओपन कार करने का ऑर्डर आया है तो ओपन कर देते हैं। तो गाइज़ ये है एंट्रेंस बोटैनिकल गार्डन का, गवर्नमेंट बोटैनिकल गार्डन ये एंट्रेंस है, एंड यहाँ से जो है हम टिकट ले सकते हैं, उसके बाद हम जाएंगे अंदर। हाँ टिकट ले लेते ना, तो हम यहाँ से अभी टिकट लेके, क्योंकि अभी भीड़ नहीं दिख रही है, पहले टिकट ले लेते हैं। गाइस हमने टिकट ले लिया अभी, एक अडल्ट का 50 है, तो हमको इतनी बड़ी टिकट, तो अभी पहले ब्रेकफास्ट खाएंगे। तो गाइस हमारा ब्रेकफास्ट अभी आ गया है, हमने ऑर्डर किया है एग डोसा ऑर्डर किया, और उन्होंने ऑर्डर किया है घी रोस्ट, तो अभी घी रोस्ट एग रोस्ट और घी रोस्ट, तो अभी ये खा के फिर हम जा रहे हैं बोटैनिकल गार्डन।
तो गाइस हम आ गए अभी बोटैनिकल गार्डन में। अरे यार ये पेड़ कितना मोटा है, कितना मोटा पेड़ देख। अब हम जा रहे हैं इस ब्रिज से। सो वन थिंग गुड अबाउट ऊटी इज यहाँ पे आपको बहुत सारे रोज देखने को मिल जाते हैं, और बहुत बड़े बड़े साइज के रोज हैं। और ये रहा हमारा ब्रिज, हम इसमें जा रहे हैं अभी। That's some flower house, is it? Yeah, there? No, it's like a greenhouse with plants. Wow, see? उड़ी ऊपर देख, ऊपर देख। तो गाइस जैसे पूरा ओपन एरिया है एंड बहुत ही सुंदर लगता है। एंड अभी हम जा रहे हैं यहाँ से आगे, यहाँ पे देखते क्या है। बहुत सारे लोग हैं गाइस आज यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ हम जा रहे हैं वो है इस हाउस में, देखेंगे क्या है यहाँ पे। क्या हाउस है? फर्न हाउस। तो भैया 1894 एस्टैब्लिश्ड 1894। यहाँ से हम बाहर आ गए और यहाँ से बाहर आते ही आपको ये देखने को कितना सुंदर है गाइस। देखिए असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर गवर्नमेंट बोटानिकल गार्डन शायद उनका स्टे है यहाँ पे। यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है एंड हम यहाँ पे बारिश से चुपके खड़े हैं इस पेड़ के नीचे। अरे पता नहीं बारिश जब बंद हो तो थोड़ा और घूमें यहाँ पे, सब लोग अभी रुके हुए हैं। तो गाइस अभी बारिश थोड़ी कम हुई है तो हम निकल गए वापस। कैक्टस गार्डन है, सारे कैक्टस प्लांट्स हैं यहाँ पे। जब अपन यहाँ पे आ गए हैं न्यू गार्डन एंड यहाँ पूरा एक इंडिया का मैप है यहाँ पे, पूरा केरला गोवा। यू आर हियर, हम वहाँ पे हैं एंड इंडिया के बाद आएंगे तो ये रहा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो गाइज अभी हम चढ़ के जा रहे हैं ऊपर, वहाँ पे एक व्यू पॉइंट है, उधर भी एक व्यू पॉइंट है। अरे यार क्या सीन है गाइज, इसके भी ऊपर जा सकते हो आप जाना है तो। सो गाइज फाइनली हम आ गए यहाँ पे, देखिए क्या कमाल का व्यू है। गाइज ये देखिए फॉग, दूर दूर तक अगर आप देख रहे हो फॉग, पूरा फॉग जो है अभी माउंटेन से नीचे आ रहा है। सो गाइज अगर आपको नेचर एंजॉय करना है तो डेफिनेटली आप ऊटी आ सकते हैं, बहुत ही प्यारी जगह है। मिसाइल डू नॉट टच रुपीज 500, डू नॉट टच रुपीज 500 फ्लैग। बड़ा हरामी हो बेटा, इधर देख एक बार, इधर देख मैचिंग खड़ा था इसके साथ, टच कर भी नहीं सकते, पहुंच ही नहीं सकते वहां तक। तो गाइज हमने अभी ऑलमोस्ट पूरा तो कवर नहीं किया, ये बहुत बड़ा है तो हमने देख लिया है गार्डन। इट्स नॉर्मल गार्डन, आपको बहुत सारे फ्लावर और बहुत सारे ट्रीज देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं, वी आर गोइंग बैक टू बैंगलोर। तो अभी यहाँ से निकलेंगे हम, राइट नाउ द टाइम इज़ 12:48, 1 o'clock। सो या
अभी हम निकलेंगे और फिर प्रॉबली 7 बजे तक पहुंच जाएंगे बैंगलोर। ये देखिए गाइस, आपको दिख रहा होगा फॉग पूरा कवर हो चुका है वहाँ पे फॉग से। तो गाइस अब हम आ गए हैं वापस अपनी गाड़ी में एंड यहाँ पे देखिए पूरा फॉग जम गया है क्योंकि बहुत ही बारिश हो रही है यहाँ पे एंड बहुत ठंडा भी है। तो अब हम आ गए हैं एंड अब हम यहाँ से जा रहे हैं बैंगलोर। तो ऑलमोस्ट दिखा रहा है 6 hours 8 minutes, तो जो कि है अराउंड 7:30 तक हमको पहुँचा देगा बैंगलोर तक। तो हाउ वॉज द ट्रिप गाइज? इट वॉज ऑसम, लवली। ओके, तो गाइस जाने का रूट कोई और है, पता नहीं वहाँ से अलाउ नहीं कर रहे वन वे है बोल के, तो हम कहीं घूम फिर के जा रहे हैं अभी, हमें भी नहीं पता कहाँ से जाना है। गाड़ी फॉलो कर रहे हैं, हमारे पीछे भी एक के रजिस्ट्रेशन की गाड़ी है, तो देखते हैं कहाँ पहुँचेंगे। तो हम निकल तो गए हैं यहाँ से। सूरज की किरण भी लेते हुए सूरज की किरणें लेते हुए ये देखिए गाइस व्यू। कुंजी बच्ची को उठा के तू बैठ गई के ये देखिए गाइस पूरा फॉग। तो गाइस अभी अपन ने कवर कर लिया है नीडल रॉक व्यू पॉइंट एंड फॉर्चुनेटली ये भी देख लिया क्योंकि ये प्लान में नहीं था, बट ऐसे ही फॉर्चुनेटली हम यहाँ ही रास्ते से जा रहे हैं और वो ही अपनी गाड़ी खड़ी है तो हमको मिल गया ये। तो ठीक है अब यहाँ से जा रहे हैं हम और मिस्ट देखिए गाइस यहाँ पे पूरा फॉग और ये पुलिस वाले भैया सबको भेज रहे हैं यहाँ से आगे। गाइस ये देखिए व्यू, इतना शानदार व्यू है गाइस, ऊपर देखिए यहाँ पे पूरा मिस्ट है। गाइस वो रहा एक एलिफेंट, हम यहाँ पे अभी मधुमलई में हैं और यहाँ पे हमको एक एलिफेंट दिखा है वो रहा, आपको भी दिखाता है। अरे उसके एलिफेंट के नीचे से गया ना अभी। तो गाइस अभी भी हम घर पे पहुंचे नहीं है एंड घुमा घुमा के जो है रास्ता बता रहे हैं पुलिस वाले क्योंकि आज बहुत ज़्यादा रश है। तो हम अभी भी बस अभी कर्नाटका एंटर हुए हैं और आप देख रहे हो कर्नाटका में बहुत ही भयंकर बारिश हो रही है, विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है अभी ड्राइविंग में एंड हम अभी घर पहुंचेंगे एट अराउंड 11:30 नाउ, जो कि पहले 7:30 था, अब 11:30 हो गया है ऑलमोस्ट। तो जी हाँ देखिए तो किस तरह से बारिश हो रही है, अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है एंड या अभी घर पहुँचेंगे कहीं पे बैठ के डिनर करेंगे थोड़ी बारिश जब कम होगी। तो ये था गाइस हमारा ऊटी ट्रिप। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।